विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो दिवसीय रूस दौरे पर हैं। इस दौरान स्वराज ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सुषमा स्वराज की रूस यात्रा इस मायने में भी अहम मानी जा रही है क्योंकि S-400 मिसाइल डील में अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। कुछ दिनों पहले ही हुई अमेरिका के साथ 2+2 बैठक में भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, लेकिन भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में बता दिया था कि डील होकर रहेगी, भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं। फिलहाल इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है कि भारत के अच्छे दोस्त से मिलकर हमेशा खुशी होती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मॉस्को पहुंचने पर पहले कार्यक्रम के तहत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिली। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री लावरोव ने विदेश मंत्री के सम्मान में रात्रि भोज दिया है। आपको बता दें कि 11 महीनों में ये तीसरी बार है जब सुषमा स्वराज रूस की यात्रा पर गई हैं। सुषमा स्वराज मॉस्को आने के क्रम में अशगाबाद में कुछ देर रुकी और उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय हितों पर चर्चा की। विदेश मंत्री भारत रूस तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग अंतर सरकारी आयोग की 23वीं बैठक में हिस्सा लेंगी। इसकी सह अध्यक्षता सुषमा स्वराज और रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव करेंगे।